नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में प्रभात खबर ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। कोविड काल में जागरूकता के लिए अखबार ने लगातार सराहनीय पहल किया। प्रभात खबर देश का पहला अखबार बना जिसने मास्क के लिए लोगों को जागरूक किया और इसी क्रम में हर घर खबरों के साथ मास्क पहुंचाने की पहल की गई, जो वाकई सराहनीय है। हम अपने दर्शक से भी ये गुजारिश करेंगे कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क है तो जीवन है। देश में पहली बार किसी अखबार की पहल, मास्क पहनने के लिए फैला रहा जागरूकता की लहर। रविवार 27 जून के प्रभात खबर के सुरभि अंक के साथ मुफ्त पाए मास्क। इस्तेमाल करें मास्क, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए है खास। प्रभात खबर कॉरपोरेट, सामाजिक जवाबदेही। मास्क है तो जीवन है। प्रभात खबर की विशेष मुहिम मास्क है तो जीवन है की हर तरफ चर्चा हो रही है। प्रभात खबर की मुहिम का पाठक के साथ साथ हॉकर्स भी इस मुहिम की सराहना कर रहे हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अखबार का सेंटर है और वहां से सुबह सुबह हॉकर अखबार उठाते हैं और इस दौरान यहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आयुष ने। कोई नया नाम नहीं है, जी हां, आज पूरे देश भर में 10 अखबार हिंदी अखबारों में अपनी पहचान बना चुका प्रभात खबर एक नई शुरुआत कर रहा है, एक नई मुहिम चला रहा है। आपको बता दें कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रभात खबर आज अपने पाठकों के बीच मास्क का वितरण कर रहा है और यही मास्क आपको पेपर के जरिए, देखिए आप जो अखबार आज सुबह उठाएंगे उस अखबार में एक सुरभि पृष्ठ होगा जो सप्लीमेंट्री होता है और उसमें ये मास्क मिलेगा। देश भर में मुहिम होगा जो सीधे अपने पाठकों को जागरूक करेगा कि जहां हम पहली और दूसरी महामारी से कहीं ना कहीं उसकी मार से उबरे भी नहीं है, ऐसे में तीसरी लहर की तैयारी कैसे करनी है और मास्क है तो जीवन है, इसका मतलब साफ है कि हमें अपनों और दूसरों के लिए कहीं ना कहीं मास्क लगाना जरूरी है। और आज आप प्रभात खबर के पहले पृष्ठ को अगर देखेंगे, जैसे खोलेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, साफ दिखेगा, देखिए नीले कलर के में साफ। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी पवन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे, अपने के लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए मास्क पहने और नीचे साफ लिखा गया है मास्क है तो जीवन है। बिल्कुल, ये हमें साफ समझना होगा कि मास्क है तो जीवन है, क्योंकि डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट कहीं ना कहीं हमारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे में अगर हम मास्क पहनते हैं तो फिर से वो परिस्थिति नहीं आएगी कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़े। आप एक हर एक अखबार के साथ एक एक मास्क लोगों तक पहुंचेगा, एक जागरूकता फैलेगी, कहीं ना कहीं अन्य दुनिया की तरह जो है पाठकों के लिए आज नया दिन होगा। देखिए हमारा प्रयास यही है कि हर घर में हर जगह एक एक मास्क जरूर पहुंचे और अभी देख रहे हैं कि थोड़ा सा लॉकडाउन का ये स्थिति है तो मास्क पहनिए रहे हैं, लेकिन बहुत से आदमी मास्क पहन ही नहीं रहे, तो सबको मास्क पहनना जरूरी है और कितना जरूरी है आप जानते हैं, एक ही कोरोना का इलाज है, मास्क जरूर पहने। इस समय जो कोरोना का जो स्थिति है और थर्ड वेव आने वाला है तो इस स्थिति में सबको मास्क पहनना चाहिए। सौभिक सर ने हमें एक बड़ी बात बताई है कि लगभग झारखंड बिहार में 5.5 लाख फाटक है और ऐसे में सीधे 5.5 लाख लोगों को सुबह सुबह जब ये मास्क मिलेगा कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिल उठेंगे, उन्हें एक संदेश जाएगा और संदेश के तहत कहीं ना कहीं जागरूक हो पाएंगे। हमारे पास एक अखबार पहुंचाने वाले हॉकर ही हैं, आप मास्क डाल रहे हैं अखबार के अंदर एक सुरभि पृष्ठ में, ये पहली बार देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं अपनी पाठकों के लिए चिंता कर रहा है वो अखबार जो कहीं ना कहीं हमेशा से लगातार लोगों की कह सकते मदद में जुटा रहा है। हम इन्हीं से बात करते हैं, चाचा ये पहली बार हो रहा होगा मुझे लगता है। प्रभात खबर का नाम सबसे पृष्ठ में है कि सब गरीबों को दान भी दिया और सब जितना कस्टमर को सब चीज बांटा, चावल दाल तक सब चीज बांटा, सब चीज बांटा कोरोना में। और अभी मास्क सब जितना जनता है जिसके पास में हाथ में जा रहा है, मास्क जरूरी है,
सोशल जरूरी है, एक गज दूरी में रहना जरूरी है। आज मास्क वाला कैसा है? मास्क वाला सबसे अच्छा है। तो आज जाइएगा पाठकों के बीच तो क्या बोलिएगा? कहें कि मास्क लगाइए, एक गज दूरी रहिए और सुई लेना जरूरी है, शासन लगाना जरूरी है। आज बिल्कुल जो प्रभात खबर के पाठक हैं उनके लिए एक नया दिन होगा, एक संदेश जाएगा उनके पास कि क्यों तीसरी लहर से बचने के लिए हमें मास्क लगाना जरूरी है, खुद को, दूसरों को और समाज को बताने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। उन पाठकों तक पहुंचने वाला है जो लगातार प्रभात खबर पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज का दिन, आज की सुबह नहीं है। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए ये अखबार के माध्यम से एक संदेश है, और ये संदेश क्या रंग लाता है इन पाठकों के मुंह से ही सुन लेंगे। अब भैया अखबार खोलिए, आज क्या कुछ नया दिख रहा है इसमें? मास्क मिला है इनसे अखबार कवर के पाठक हैं। क्या कुछ मास्क देख के कहीं ना कहीं आपको मास्क के नीचे एक स्माइल आया होगा जरूर, बताइए। लगभग 20 साल से हम लोग प्रभात खबर यूज कर रहे हैं और प्रभात खबर पढ़ के ही हम लोग को संतुष्टि मिलता है, दूसरा पेपर पढ़ के संतुष्टि नहीं मिलता। कभी कभी हमारे होकर गलती से कोई दूसरा पेपर दे जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान, कभी होता है कभी गलती से, तो हम लोग को जाके प्रभात खबर खरीद के लाना पड़ता है, क्योंकि प्रभात खबर से ही संतुष्टि मिलता है। कार्य है, यही एक सुरक्षा कवच है, अवश्य लगाएं। अवश्य लगाएं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए पाठकों ने मास्क पहन लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड बिहार के लगभग 5.5 लाख जो भी पाठक हैं, जिन तक ये मास्क पहुंचेगा, वो मास्क लगाकर एक छोटी सी स्माइल अंदर जरूर रखेंगे और लोगों को यह संदेश देंगे कि मास्क है तो जीवन है, और मास्क पहने ताकि अपने और अपने समाज की रक्षा के लिए हम कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध रहें। क्या कुछ शहर पूरे सूबे में चल रहा है वो तमाम जानकारियों के साथ प्रभात खबर आपको मिलता है, और आज प्रभात खबर आपके बीच आपकी चिंता करने के लिए आया है। तो आज का प्रभात खबर खोलें, उसमें से मास्क निकालें और पहने और लोगों का जीवन बचाएं। अपने सहयोगी पवन के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में आपका। धन्यवाद सर। देखिए, कहते हैं कि अखबार समाज का आईना होता है और अखबार की सामाजिक जवाबदेही भी होती है, और इसी सामाजिक जवाबदेही को समझते हुए प्रभात खबर ने इस अभियान की, बड़े अभियान की शुरुआत की है। लेकिन मास्क घर घर तक पहुंचाया जाए, कैंपेन इस तरह से चलाया जाए, ये बात जहन में आई कैसे? क्या कुछ रहा फंडा ये इस कैंपेन को शुरू करने के पीछे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, आमतौर पर हम सभी लोग मानते हैं कि अखबार का जो काम है वो खबरों का प्रसारण है, या खबर जनता तक पहुंचाना अखबार का एक काम है जी। लेकिन हम लोगों को प्रभात खबर में लगता है कि अखबार का काम सिर्फ खबर का सूचना पहुंचाना नहीं है, बल्कि खबरों से इतर एक अखबार की सामाजिक जिम्मेवारी है जी। कि कैसे समाज में सकारात्मक पहल करे, और हर वो काम करना चाहिए जिससे एक सामाजिक बदलाव आ सके। पिछले 15-16 महीने का हम लोगों ने जो सफर देखा होगा जी, पूरी दुनिया COVID-19 के बाद बदल सी गई है, और हम सभी देख रहे हैं हमारे चलने का, हम लोगों से मिलने का, उठने बैठने का, खाने का, सबका ढंग जीवन में बदल कर रह गया है। पिछले साल COVID-1 का पहला फेज आया, जिसको लहर हम लोग बोलते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने उससे भी वर्ष जो है लहर 2 देखा, और अभी सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं कि शायद हिंदुस्तान में तीसरी लहर भी आए। और इन सबके बीच में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है जी, जी। तो वैक्सीनेशन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली ये प्रिवेंटिव है, ये कोई कोरोना की दवा नहीं है। अभी तक कोई कोरोना की दवा तो याद हुई नहीं है। प्रिवेंटिव के लिए जरूर वैक्सीन हम सभी लोग लगा रहे हैं जी, जी। और जल्द से जल्द हम सबको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। तो लोगों को जो करना है, और जो साइंस को जो लोग जानते हैं, जो कोविड के को की जानकारी रखते हैं जी। उनका मानना है कि जब तक दवा का इजाद नहीं हो जाए, आने वाले समय में शायद
छह महीने, एक साल, दो साल, कितने दिनों तक ये लहर चलेगा, तब तक कुछ जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उनका हम सबों को पालन करना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, और उससे भी जरूरी है कि हम सभी लोग मास्क पहने। मास्क सिर्फ पहनना नहीं है, मास्क को ढंग से पहनना है। अभी आप देख रहे होंगे कि लहर जो दूसरी लहर आई है उसके बाद बहुत सारे लोग अब मास्क उतार कर, आप देखिए ठुड्डी में मास्क करके, हाथ में मास्क रख लिया, लोग मास्क उतार कर जो है घूमने लगे हैं। हम सबों को समझना पड़ेगा कि मास्क एक सुरक्षा कवच है, हम पहनते हैं, हमारे सामने वाला पहनता है, तो न सिर्फ हम सुरक्षित रह पाते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग और समाज में जो हमारे जितने भी लोग हैं उससे सुरक्षा मिलता है जी। और मेरा मानना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबको मास्क पहनना चाहिए। तो लोगों में जो एक लापरवाही बोल सकते हैं उसको देखते हुए प्रभात खबर में हमारी टीम ने ये एक प्लान किया कि हम लोगों को एक मुहिम चलाना चाहिए, हमारे पाठकों के बीच में पहुंचना चाहिए कि कैसे मास्क, एक देखिए मास्क, एक मास्क हर अखबार के साथ गया है, एक इसे आप सिंबॉलिक समझ सकते हैं कि हमने एक अखबार के माध्यम से मैसेज दिया है कि एक अखबार के रूप में हमारा मानना है कि हम सबों को मास्क पहनना चाहिए। और जब हमारे पाठकों का हमारे साथ ट्रस्ट है तो हमारे कहने का, हमारे लिखने का एक फर्क पड़ता है। इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक हम लोग कैसे अखबार एक कैटलिस्ट के रूप में रहे, हम लोगों ने मास्क वितरण का एक अभियान शुरू किया है। बिल्कुल सर, लेकिन इन सब के बीच ये भी बहुत अहम रहा होगा जब आपकी टीम इस पूरे कैंपेन की तैयारी कर रही होगी, तो कितने पाठकों तक ये मास्क पहुंचेगा, कैसे ये मास्क पहुंचाया जाएगा, ये आइडिया कैसे आया, और साथ ही साथ इसके लिए बहुत खास निर्देश भी दिए गए होंगे हॉकर्स को कि ये तमाम चीजें इसका अनुसरण करना है, ये फॉलो करना है, ताकि जो हमारे पाठक हैं, जो भी प्रभात खबर पढ़ना चाहें, जो ले रहे हैं, उन तक ये मास्क पहुंचे और एक मैसेज पूरी सोसाइटी में जाए। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि ये अभियान हम लोगों ने पिछले सप्ताह शुरू किया है जी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पूरे बिहार में मास्क का वितरण किया सुरभि अंक के साथ में जी। और आज 27 तारीख को हम लोगों ने पूरे झारखंड में सुरभि के साथ मास्क का वितरण किया। एक अखबार के रूप में हम लोगों को अनुभव रहता है कि हम लोग कैसे चीजों को लोगों तक पहुंचाएं। और जानते हैं अखबार की सबसे बड़ी खासियत जो होती है कि अखबार का जो नेटवर्क होता है जी, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमारे पास प्रखंड स्तर पे हमारे लोग, हमारे रिपोर्टिंग के साथ ही मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो के साथ ही मौजूद है, और झारखंड बिहार मिलाकर मान के चलिए कि कम से कम 20,000 हॉकर जो है हमारे जो है आज के दिन में मौजूद है। और हमने जब भी कोई अभियान चलाया है हमारे हॉकरों का, हमारे वितरण बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान मिला है इसको आगे बढ़ाने में जी, जी। और इस मुहिम में भी आपने देखा होगा, सुबह आप आपके साथी सेंटर्स में भी गए थे जी, आपने जी। देखा होगा कि हमारे हॉकर बंधुओं ने, हमारे वितरण बंधुओं ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हमारा साथ दिया। और एक श्रम साध्य काम है, आप ये मान के चलिए जैसे सप्लीमेंट के साथ हम लोगों ने इसे वितरित किया है, लगभग 7 दिनों की तैयारी हम लोगों ने इसके पिनिंग को लेकर, पेस्टिंग को लेकर किया, ताकि एक एक पाठक के पास हाइजीन के साथ हम लोगों ने क्या किया है कि आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आवाज मिल रही है आपको हमारी। हाँ बिल्कुल, आप अगर ध्यान से देखेंगे जी, तो जी। आप ये देखिए कि हम लोगों ने जो ये मास्क वितरित किया है उसके ऊपर एक लेयर हम लोगों ने एक प्लास्टिक का ऊपर लेयर भी लगाया, ताकि सिर्फ मास्क सिंबॉलिक नहीं हो, ये दिखाना जरूरी है कि कैसे प्रभात खबर उनके हाइजीन का भी ख्याल रखता जी, है जी, जी। और इसी के तहत इसको पूरी तरह से रैपअप करके हम लोगों ने किया है। तो ये एक श्रम साध्य काम है, लेकिन आप अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हर वो काम करना चाहिए जिससे एक सकारात्मक पहल हो, और प्रभात खबर ने एक अभियान शुरू किया है जी। और बहुत आपने देखा है कि आज पाठकों में बहुत ही उत्साह है, और जिनके मन में भी थोड़ी भ्रांति रहती है कि हम आज तीसरा
वेव आएगा नहीं आएगा, कोई वेव आए नहीं आए, लेकिन हम सबको अपने सामाजिक जिम्मेवारी को, पारिवारिक जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है कि हमें न सिर्फ अपने अपने बच्चों अपने परिवार के लोगों को बचाने की जरूरत है, और उसमें मास्क सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस चीज को हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल सर, देखिए ये मास्क है तो जीवन है, ये स्लोगन है प्रभात खबर का, लेकिन ये भी एक है कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरी लहर में जितनी तकलीफें हमने देखी, जो मारा मारी अफरा तफरी का माहौल था दूसरी लहर में, वो सबने देखा, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मास्क को महत्व नहीं देते, जो इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते कि ये कितना लाइफ सेवियर हो सकता है। इन सब के बावजूद अगर प्रभात खबर इस मुहिम को चला रहा है तो एक मास लेवल पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मास्क पहने और अपना और अपने समाज का जीवन सुरक्षित करें। जी देखिए, पिछले 1.5 साल का जो अनुभव आप लोगों को भी रहा होगा, हम सबको रहा है जी। मैंने जो और हम लोगों ने जो महसूस किया है कि जब तक हम परेशानी में नहीं फंसते हैं तब तक लगता है कि अरे मुझे कुछ क्या क्या होगा। बिल्कुल, बहुत सारी भ्रांतियां मन में रहती है कि भाई मेरा तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, या मैं तो वैसे इलाके में रहता हूँ जहां पे भीड़ भाड़ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे तरह की भ्रांतियां मन में चलती, चूंकि देखिए अभी तक साइंटिफिक बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और समय के साथ बहुत सारी नई नई जानकारियां मिल रही हैं। जी जी, लेकिन आपने देखा होगा पहले फेज के बाद, पहला फेज जब खत्म हुआ हम सभी हिंदुस्तानियों को ऐसा लगा कि हम लोगों ने कोविड पे विजय पा लिया है, हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है जी। लेकिन कोविड का जो दूसरी लहर थी, हम लोगों ने देखा कि कितनी भयावह स्थिति थी, अस्पतालों में बमुश्किल लोगों को जगह मिल रही थी, और बहुत सारे अपने जिनको हम जानते थे वो समय से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए लर्निंग्स है कि जो गलती हम लोगों ने सेकंड फेज में किया है वो आने वाले समय में नहीं करें। अगर कोई परेशानी नहीं होती है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन हमें चीजों को गंभीरता से समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने, हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, तो हम कोशिश करें कि वो स्थिति ना आए ताकि हमें किसी इलाज की जरूरत पड़े। और उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग स्वच्छा कवच के रूप में मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बहुत सारे रिसर्च हम लोगों ने देखा कि जब हम और सामने वाला जब दोनों मास्क पहनता है, 6 फीट से ज्यादा की दूरी रहती है, तो संक्रमण का जो खतरा होता है लगभग नगण्य होता है। बिल्कुल, ये बहुत छोटी सी बेसिक बात है, तो इस चीज को हम सबको समझना है। और बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई आया या हमारे मित्र है, हमारे जो परिचित है, लगता है कि यार इनसे तो हमको कोई कोविड का खतरा नहीं है। हो सकता है कि जो हमसे मुझसे मिलता है मुझसे उस व्यक्ति को संक्रमण हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि सामने वाले से संक्रमण का खतरा है। जी, जी, जी। तो कोविड कोई एक अनजाना जो दुश्मन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे व्यक्ति से होने का, हमारे बीच में ही ये मौजूद है और इससे सावधान रहने की जरूरत हम सबों को है। बिल्कुल सर, देखिए ये मुहिम कब तक चलाई जाएगी प्रभात खबर की तरफ से, और इसका जो खर्च जो एक्सपेंस हो रहा है वो कैसे, इसे कैसे वहन किया जा रहा है, ये भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि ये मुहिम विशुद्ध रूप से प्रभात खबर ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया है, और इस अभियान को आगे बढ़ाने में जैसे झारखंड बिहार मिलाकर लगभग मुझे लगता है कि 6.5 लाख कॉपियों में इसका वितरण किया गया है। लगभग एक सप्ताह में आज झारखंड में हुआ और पिछले सप्ताह जो है बिहार में हुआ है। तो इसका जो पूरा खर्च है इसमें प्रभात खबर ने कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं दिया। अमूमन जैसे आप लोग भी मीडिया हाउस में है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो अपने जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उनकी मदद लेते हैं। लेकिन प्रभात खबर ने यह निर्णय लिया कि कुछ ऐसे काम भी होने चाहिए जो एक अखबार की सामाजिक जिम्मेवारी है, और इसी अभियान के तहत प्रभात खबर ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पूरा खर्च है लगभग 6.5-7 लाख मास्क वितरण का है, हम लोगों ने अपने माध्यम से किया है। मैं कि और बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने मास्क का वितरण किया, आज किया है,
लगभग 15 दिन या उससे पहले लगभग 1 महीना पहले हम लोगों ने झारखंड और बिहार के लगभग 20,000 वितरण बंधु हॉकर बंधुओं के बीच में दो दो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के मास्क अपने खर्च पर उन हॉकरों को भी दिया, क्योंकि सिर्फ पाठक नहीं बल्कि हमारे जो वितरक जो इस कोविड काल में आप सभी जानते हैं कि आज का जो युग है ये जो खबरों का युग है, जो खबरों का एक ओवर फ्लड है, तो एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी है। उससे आपने महसूस किया होगा कि अखबारों की जिम्मेवारी या अखबारों की क्रेडेंशियल और बढ़ गई, क्योंकि अखबारों का खबर अगले दिन जब आती है तो बहुत हद तक वेरीफाई करके आता है जी। और डिजिटल के इस युग में आप देखते होंगे कि खबरों की वाक में आगे निकलने के दौर में बहुत बार ऐसे खबर भी आते हैं जिससे भ्रम की स्थिति आती है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा फेज वन में जब हम सब आपस में मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, अपने घर में भी लगता था कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उस समय हमारे हॉकर हमारे वितरक जो थे घर घर जाकर उन्होंने अखबार का वितरण किया, और हम लोगों ने भी कोशिश किया कि उनको उनके हेल्थ हाइजीन का ख्याल करें। हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का काम किया, उसके बाद अखबारों को कैसे सैनिटाइज करके पाठकों के पास पहुंचाया जाए, और स्वच्छता कवच के रूप में हम लोगों ने वितरक बंधुओं को मास्क देने का काम किया। और उसके पहले मैं और वर्णन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने पूरे झारखंड बिहार में लगभग 20,000 हॉकरों के बीच में अपने सामाजिक जिम्मेवारी के तहत उनके बीच में कच्चा सामान ताकि का वितरण किया, ताकि लोग जो हमारे साथ हमारे स्टेक होल्डर है उन्हें महसूस हो ये जो बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम है, कैसे हम एक दूसरे का हाथ थाम कर इस कठिन गाड़ी से आगे बढ़े और एक नया सवेरा हम देखें। बिल्कुल, नए सवेरे की उम्मीद सभी को है, और जिस तरह से कोरोना संक्रमण ने काफी कुछ दिखाया है, बहुतों ने बहुत अपनों को खो दिया है, तो एक नई किरण, एक नई सुबह की किरण की उम्मीद हम सभी को है सर। लेकिन ये शायद देश का पहला अखबार इसलिए भी है क्योंकि इस अखबार ने अपने सामाजिक दायित्वों को समझा है, और इसलिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है, इस मुहिम को तवज्जो दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही है जी। अगर आप चेतन हैं, आप अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, तो प्रयास छोटा हो या बड़ा हो जी। अपना अपने तरफ से प्रयास करने की जरूरत है। हम लोगों ने जब ये अभियान शुरू किया तो हम लोगों के मन में ये कहीं नहीं था कि हम देश के पहले अखबार होंगे जो ये काम करेंगे जी, जी। हम लोगों को लगा कि चूंकि आज प्रभात खबर लगभग 35-36 वर्षों का अखबार है जी। तो एक पाठक को के साथ जो हमारा जुड़ाव है या समाज में जो हमारा जुड़ाव है तो हमको लगता है कि हम उनसे अलग नहीं है, इतर नहीं है, तो हमको अपने जिम्मेवारी के तहत हर वो काम करना चाहिए जिससे समाज में एक बेहतरी का एक सकारात्मक माहौल हो। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक मैसेज कन्वे करने के लिए जी, जी। ताकि हम एक उत्प्रेरक से होते हैं ना, कैटलिस्ट के रूप में हमारा योगदान रहे जी, हम लोगों ने मास्क वितरण का अभियान शुरू किया है। वैसे हम लोग बहुत सारे कैंपेन अखबार में प्रिंट में छापते रहते हैं जिससे एक मैसेज कन्वे हो, लेकिन एक फिजिकल फॉर्म में हम लोगों ने पाठक को दिया है ताकि एक अखबार जब या किसी भी मीडिया हाउस के लिखने या बोलने का बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसे लगता है अखबार की तरफ से एक मैसेज जब कन्वे होता है तो पाठक हो, उनके परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, सबके मन में ये विचार जरूर आए कि कोविड के खतरे से अगर निपटना है तो मास्क पहनना जरूरी है, और इसी अभियान के तहत हम लोगों ने ये अभियान मास्क वितरण का शुरू किया है। बिल्कुल, और सोशल कनेक्टिविटी इससे और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप इस तरह से फिजिकली अगर आप जा रहे हैं एक मैसेज लेकर कि देखिए ये मास्क आपके लिए कितना जरूरी है, कि हम आपके बीच आए हैं, और अब आप समझिए कि अगर आपके पास मास्क है, अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोरोना से बच सकते हैं, इस संक्रमण से बच सकते हैं। बहरहाल, इस मुहिम को की शुरुआत के लिए और आगे जारी रखें ये मुहिम ताकि लोग और अवेयर हो, जागरूक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और इस मुहिम को आगे और चलाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं न्यूज 11 भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मास्क है तो जीवन है, ये मुहिम प्रभात खबर की तरफ से, और ये न्यूज 11 भारत भी अपील करता है आपसे कि आज के जो अंक में सुरभि अंक के साथ जो प्रभात खबर ने मास्क अगर लोगों के बीच देकर एक संदेश दिया है तो इसे समझिए, क्योंकि कोरोना से बचाव का एक सुरक्षा कवच का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंस।